तो हेलो गाइज, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हो क्रिएटिव नरू यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में मैं जो मच्छर मारने वाला गाइज रैकेट होता है ना, तो उसको हम इसके अंदर जो बैटरी लगी है पूरी तरह से डेड हो चुकी है, तो इसको हम लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहले मैं आपको इसको एक बार चार्ज करके टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जिस बोर्ड में मैं ये लगा रहा हूँ उस बोर्ड को मैंने ही बनाया है, तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक में क्या है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो देख लो गाइस, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ इसके अंदर लाइट जल रही है। तो मैंने इसे पहले एक घंटे के लिए चार्ज कर किया है, तो अब आपको इसमें स्पार्क करके दिखा रहा हूँ कि स्पार्क हो रहा है कि नहीं। तो देख लो गाइस, मैं स्विच दबा रहा हूँ तभी इसमें लाइट नहीं जल रही, थोड़ी बार चली और फिर बुझ गई यार। तो देख लो, स्पार्क एक बार हुआ और अब नहीं हो रहा है गाइस। तो इसके अंदर जो बैटरी प्रॉब्लम है वही है, तो हम इसमें लिथियम आयन बैटरी लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए पहले तो हमें इसे खोल लेना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैस्कूटर रैकेट ख़राब हो चुका है तो हम इसका कबाड़ी वाले के बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। हम इसे बैटरी रिप्लेस करके दोबारा यूज में ले सकते हैं, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देख लो गाइस, मैं इसे खोल रहा हूँ। तो फटाफट से खोलने के बाद इसको मैं ऊपर वाला ढक्कन निकाल कर बाहर रख दे रहा हूँ, और रखने के बाद ये देख सकते हो, तो इसका जो मॉड्यूल लगा है तो वो पूरी तरह से वर्किंग है। और देख लो गाइस, कंपनी वालों ने कितनी सी बैटरी लगाई है गाइस, इसमें तो क्या जान होगी यार। तो पहले हम बाजार से नया नया लाते हैं तो तब तक 2-3 दिन के लिए तो अच्छा चल जाता है गाइस, लेकिन 2-3 महीने होने के बाद ये एकदम डेड हो जाती है। तो इसका भी वही प्रॉब्लम है गाइस, ये डेड हो चुकी है, तो इसको हम इस बैटरी को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये 1500 mAh की है और 6.7 वोल्ट वर्किंग है। तो गाइस, इसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए ये वायर हमें पहले कट कर लेने हैं और इस वायर को प्लस माइनस देखकर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से घर पर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा संभाल कर करना है। इसका बैटरी मतलब जो स्विच होता है वो बंद करके ही कनेक्ट कर देना है, तो हमको थोड़ा बहुत शॉक लग सकता है इसमें। तो देख लो गाइस, अब मैंने इस बैटरी को माइनस वायर एक लंबी कनेक्ट कर दी है, ताकि जो हमारी बैटरी हो सीधी लगने वाली है ना, इसलिए गाइस। तो प्लस वाले वायर पहले सिरे पर लगने वाले हैं, माइनस वाले वायर जहाँ नीली वायर लगी है वहाँ की मार्किंग लेकर कट कर लेनी है। तो मैं इस वायर को छील रहा हूँ और अब गाइस जो प्लस वाली वायर है उसको मैं पहले कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देख लो गाइस, मैंने पहले इसे कनेक्ट कर दिया है, तो अब जो नीली वाली वायर जहाँ लगी है वहाँ पर जो हमारी लिथियम आयन बैटरी की ब्लैक वायर है उसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं पहले इसको जो शोल्डरिंग पेस्ट होती है उस लगा रहा हूँ और इसको थोड़ी शोल्डरिंग चढ़ा रहा हूँ। तो लगाने के बाद जहाँ हमने जो नीली वायर निकाली थी वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो देख लो गाइस, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे घर पर कर सकते हो, कबाड़ी वाले को बेचने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हम इसका रीयूज कर सकते हैं। तो अब आप स्पार्क देखना गाइस, देख लो गाइस कितनी स्पार्क हो रहा है। तो आपने देखा गाइस कितनी बार स्पार्क हो रहा है, अभी तक वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है, मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया, वो वैसे ही मेरे पास पड़ी थी तो मैंने लगा कर दिखाई। तो अब हम इसे चार्जिंग लगा कर चार्जिंग किया हूँ, तो देख लो गाइस रेड लाइट कैसी जल रही है। अब आप पार्किंग देखना गाइस, तो गाइस आप देख ही सकते हो कितने जोर से स्पार्क क्रिएट कर रहा है। तो आप इसके मदद से आसानी से मच्छर को मार सकते हो, 2-3 दिन आराम से निकाल लेगा एक चार्जिंग पे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।